भिलाई पावर हाउस मार्केट में बुधवार रात 3 मंजिला कपड़ा दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में आग इतनी तेज से फैली कि किसी को भी समझने का मौका नहीं मिला। सूचना मिलते ही 3 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कई लाख का नुकसान होना बताया जा रहा है। पावर हाउस की जवाहर मार्केट में प्रकाश गारमेंट्स नाम से 3 मंजिला दुकान है। तीनों मंजिल में अलग अलग वैरायटी के कपड़े रखे हुए हैं। इस दुकान की दूसरी मंजिल से बुधवार रात करीब 9 बजे धुआं निकलता दिखा। इससे पहले कि व्यापारी कुछ समझ पाते वहां आग की लपटें उठने लगी। इसके बाद मार्केट बंद करवाई गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फोम व पानी से 3-4 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद व्यापारी वर्ग में काफी रोष है। पावर हाउस मार्केट के व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि घटना के समय गणेश विसर्जन के लिए प्रतिमा ले जाई गई थी। इस दौरान पटाखा फोड़ने के चलते आग लगी है। व्यापारियों ने इसे बड़ी लापरवाही बताते हुए पुलिस को जिम्मेदार बताया है। वहीं पुलिस का कहना है कि 3 मंजिला दुकान की दूसरी मंजिल में आग लगी है। उसका सामने का शटर बंद रहता है, इससे पटाखे की चिंगारी अंदर तक नहीं जा सकती है। पुलिस का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है। जांच में इसका पता चल जाएगा कि आग किस चीज से लगी है।